हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। इसमें एक ऑयल ड्रॉप को स्टेशनरी रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट पे है, और रेस्ट पे हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स उस पे जीरो है। नेट फोर्स जीरो, देखिए समझते हैं जरा। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये मैं अरेंजमेंट दिखा देता हूँ आपको। बीच में ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप है हमारी जो कि रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब इस पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है। देखिए, एक तो इस पे वेट लगेगा नीचे की तरफ, और वेट को किसी ना किसी फोर्स ने बैलेंस कर लिया होगा, तभी नेट फोर्स जीरो है, तभी ऑयल ड्रॉप रेस्ट में आ रही है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में तो केवल एक ही फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि ओपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रही होगी। साथ में क्वेश्चन में कहा है कि इस पर 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। मतलब ऑब्वियस है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब इस पर 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं कि नेगेटिव पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगती है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला QE होता है, और ये पार्टिकल अगर नेगेटिव है तो फोर्स और फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रही है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डायरेक्टेड होने का मतलब ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव नेचर की है और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव नेचर की है। वैसे भी देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है हमारी ऑयल ड्रॉप पे। जब इसमें नेगेटिव चार्ज है और ये हवा में रुकी हुई है तो ऊपर से कोई इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव होगी। अब देखें, इस पे हमें इस ड्रॉप का रेडियस हमें बताना है। बाकी सारी चीजें हमें प्रोवाइडेड है जो क्वांटिटीज कैलकुलेशन में चाहिए, सिर्फ हमें इसका रेडियस कैलकुलेट करना है। तो समझते हैं जरा क्वेश्चन को। क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, पहली बात ऑयल ड्रॉप रेस्ट में है, और ये रेस्ट में है तो इस पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब जो भी फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, यानी कि वेट ने इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर लिया, या ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ने वेट को बैलेंस कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस कर रही है वेट को, या हम कह सकते हैं वेट ने बैलेंस कर लिया इलेक्ट्रिक फोर्स को। अब वेट मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी, और ऑयल ड्रॉप को स्फेरिकल मानते हुए उसकी वॉल्यूम मैं लिख सकता हूँ 4/3 πr³। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है QE, क्यू की वैल्यू NE बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। सारी वैल्यूज हमें प्रोवाइडेड है। रो 1.26 g/cm³ दिया हुआ है, हम उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे kg/m³ में, तो हो जाएगा 1.26 × 10³ kg/m³। 4/3 π की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जी की वैल्यू 9.8, और ये हो गया NE। N यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, 12। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया गया है 2.55 × 10⁴ N/g, 2.55 × 10⁴ N/g। उसको सॉल्व कर लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9.8 × 10⁻¹⁷ m। दिस इज द आंसर।